आप लोग सब लोग खुश होंगे, मजे में होंगे। और अभी यशपाल आने वाला है, मैं उसके साथ जाऊंगा, मेरे एक फ्रेंड के यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी काम है, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ प्लान बनाते हैं, कहीं जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग कुशाल के घर आ गए हैं, वो आपको बताया था मैंने, जिसका कि इम्पोर्टेंट एक मेरे को छोटा सा काम है। वो काम ये है कि मुझे माइक और ट्राईपॉड दोनों देखना था, तो इसके पास माइक भी था ट्राईपॉड भी था, तो मैं देख लूँगा कि उसका ऑडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर ऑडियो क्लियर नहीं रहेगी तो फिर ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके ब्लॉग के लिए भाई ने स्पेशली ये माइक और ट्राईपॉड दोनों दिया है कि एक बार देख लेते हैं क्या होगा, फिर मैं भी माइक और ट्राईपॉड को ऑर्डर करूँगा अगर सही समझ में आया तो। वैसे तो ऑडियो क्वालिटी अभी मैंने चेक की बहुत अच्छी है, और अभी आपको आगे पूरे वीडियो में इसी माइक की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये भाई का नाम है कुशाल, और इसका भी यूट्यूब चैनल है कुशाल लाइफ, तो वो भी आप लोग देख लेना, और इसको तो आप लोग जानते ही हो यशपाल। पहली बार देख रहा है भाई माइक। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं उसी के घर पे, और अब वेट कर रहे हैं उसका। इसका नाम रॉबी है। माइक प्लान बना है, सडन तो नहीं बना है, बट एक प्लान था बहुत पहले से, बहुत दिन से, कि हम लोग जाएंगे सहस्त्रधारा घूमने, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये हिमांशु आज पहली बार मेरे ब्लॉग में आ रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा। वो जो लड़की आ रही है ना पीछे, उसने आज फिर बहुत लेट कराया, बहुत ज़्यादा लेट कराया। चलो, लोगों ने एक घंटे पहले बोला था आने के लिए, अगर भाई साहब को, भाई साहब की बहन, भाई साहब क्या बोलेंगे, भाई साहब की बहन को, भाई साहब की बहन, भाई साहब की बहन को लास्ट ब्लॉग देखा है, देखा भाई पूरे ब्लॉग देखा, लास्ट की बात कर रहा है तो आज मैं तेरे को चाय पिलाऊंगा। तो ये लास्ट के कुछ ब्लॉग में इसको नहीं लिया ना, तो ये वो मैसेज करके बोल रही थी तुम्हारे वीडियो नहीं चलेंगे, तुम्हारे वीडियो नहीं है एक्चुअल में यार भाई, और सही में बद्दुआ इसकी लग गई, सही में ब्लॉग नहीं चले। तो मैं आपका भी व्यू दिखाता हूँ, क्या है हम लोग के यहाँ ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और खेत वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा व्यू है पूरे पहाड़ खेत, और अभी जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वो तो और ज़्यादा सुंदर है। तो ये आ चुके हैं हम लोग, आप दिखाता हूँ मैं आपको जगह, मंदिर है यहाँ पे और एक मंदिर वहाँ पे भी है, और मैं भी आपको घुमाता हूँ यहाँ पूरा पे। हमारे स्कूल का कैप्टन था ये, हम लोग को आज भी यकीन नहीं होता, बट ये हमारा कैप्टन था, मैं ग्रीन हाउस का कैप्टन था, मेरे कैप्टन वाला बैग मेरे पास, ग्रीन हाउस का कैप्टन मैं था। अरे ये क्या हो गया, फोटो तो खींच रही है, देख पूरा ब्लॉग बन रहा है, जितने पोज मारने हैं, जितने भी पोज मारने हैं इसमें मारो। ये आज से अब मेरे पूरे ब्लॉग में, अब मेरे पूरे ब्लॉग में ये लड़की नहीं दिखेगी, अगर ना एक घंटे में 1000 व्यूज नहीं आए तो ये अगले व्लॉग से बंद। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लास्ट व्लॉग कैसा लगा, ठीक? तो उत्तर पता है लास्ट व्लॉग में क्या हो गया कि बहुत कुछ सोचा था बट कुछ हो नहीं पाया, एक तो पानी भी गिर गया था, कैसा नहीं, वो अच्छा था, टोरिया वाला व्लॉग बहुत अच्छा था। वरना तब हमारे पास ना ही ट्राईपॉड था ना ही माइक था, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है, ट्राईपॉड और माइक दोनों है, तो व्लॉग शूट करने में बस देखना साउंड ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। ये देख लो कैसा चेहरा, भाग जाएंगे मेरे को जो देख रहे हैं ना, वो भी भाग जाएंगे तेरे को देख के। हाँ तो क्या बोलना चाहेंगे आप लखनऊ कांड के बारे में, वो मार कैसे रही थी आयुषी, एक बार करके बता, अब रिक्रिएट करते हैं, ठीक है? अरे तो लिटरली एक मिनट बोलो। हाँ इसी की फ्रेंड थी। फोटो शूट करा रही है और इसको सिर्फ एक ही चीज आता है, क्या करते आता है हिमांशु, यहाँ करके बता, देखते हैं। हाँ ये देखो इसको, देखो क्या करना। तो गाइस अब आप लोग तैयार हो जाओ, मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत
व्यू। यार मेरे साथ एक बार कांड हो गया था। क्यों हिमांशु? उसके धूप के बच्चा था। हाँ क्या हो गया था, हम लोग फुटबॉल खेलते थे स्कूल जैसे हमारा होता था, उसके बाद हम लोग बरसात के टाइम पे, तो वो स्कूल टाइम की बात है, वहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेलते थे, फिर उसके बाद नदी पे जाके नहाते थे, नर्मदा नदी पे। तो मैं क्या था कि घाट के किनारे खड़े होकर नहाता था, मतलब नहीं गया पानी में, नहीं आता तैरते नहीं बनता क्योंकि मतलब तैरते नहीं आता था। हाँ ठीक है भाई, तैरते नहीं आता था। तो क्या हुआ, मैं एक एक करके ना सीढ़ियाँ उतर रहा था, एक एक करके सीढ़ियाँ उतर रहा था, तो सडनली सीढ़ियाँ ही खत्म हो गई वहाँ पे भाई नीचे, और मैं डायरेक्ट नीचे। तो फिर एक दोस्त बैठा था, हाँ बहुत तेज था, और एक दोस्त बैठा था, उसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं लिटरली डूब रहा था, बट फिर उसने फाइनली मेरे को बचा लिया। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ। तो गाइस आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा ये ब्लॉग देखने में और इतना सुंदर एरिया देखने में। यार मगर वो बचपन का प्यार वाला जो बंदा था, जो लड़का था छोटा सा, वो लिटरली बादशाह से भी मिल लिया। इसको मैं सही वीडियो में से कट कर दूंगा, इसको भी कट कर दूंगा, सिर्फ थंबनेल में रहेगी ताकि व्यूज आ जाए। गाइस ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए बार बार, दिल से बुरा लगता है। इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी एडिटिंग करता हूँ। अच्छा ये बता, तुमको नहीं लगता कि मैं एडिटिंग में टाइम लगता होगा? रात भर करता रहता, दिन भर एडिटिंग करता हूँ भाई, कि कुछ कंटेंट क्यों करना पड़ता है मेरे को, चार घंटे इसलिए एडिट करना पड़ जाता है वीडियो को, कि वीडियो में कोई कंटेंट ही नहीं रहता, मुझे कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कंटेंट यहाँ है। फिर उसे अपने बाप रे, अगर यहाँ पे गिरे ना तो पता है ऐसा फ्लैट नहीं गिरोगे, एक पैर ऊपर एक मुंह वैसा नीचे। तो पहले ये दोनों कंपटीशन करेंगे, करना क्या हाँ, मैं इसको समझा क्या करना है, बेसिकली मैं तेरे को डायरेक्शन बताऊंगी, तेरे को उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में देखना है, ठीक है? जैसे कोई भी नॉर्थ बोला तो मेरे को साउथ देखना, नॉर्थ साउथ जैसे राइट या लेफ्ट, राइट लेफ्ट से हां नॉर्थ वाला थोड़ा ज्यादा। अगर मैं ये करूंगी तो तुझे उधर देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर तूने यहां देखा तो और जो भी हारेगा वो मेरे साथ थारा भाई से मेरे साथ हारेगा नहीं, जो जीतेगा हां जो भी हां सॉरी जो भी जीतेगा वो थारा भाई सजल के साथ कंपटीशन लड़ेगा, और सजल इतने कंपटीशन जीतेगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस अब आपका हीरो आ चुका है, वो हूं इसमें, इस कंपटीशन का मैं वो हूं, क्या बोलना चाहिए, अच्छा नहीं जो भी हूं बहुत अच्छा खेल सकता हूं। ओके तो 1 2 3 स्टार्ट, गो। ये बहुत ये गलत है यार, एक एक चांस और दे दो मुझे। हाँ दे देते हैं भैया, भाई क्रिएटर है तो भैया मुझे एक चांस और दे दो। 1 2 3 गाइस देख लो ये बेचारी चढ़ ही नहीं पा रही, आ ही नहीं पा रही है, और वहाँ देखो ओलंपिक में गर्ल्स कितना अच्छा कर रही हैं, वहाँ कहाँ ओलंपिक, वाह 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 वाह, ऐसा ही नहीं पापा की परी बुलाया जाता है। नहीं वैसे ये बहुत सुंदर जगह थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मजा आया। बोलने वाला कि ये वैसे बहुत सुंदर लड़की है, बस मजाक उड़ा देते हम इसका थोड़ा हुआ। नहीं ठीक है, सुंदर तो नहीं है ठीक। तो यहाँ पे हिमांशु को कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखा है, शायद इससे कुछ कंटेंट मिल जाए। कुछ जड़ें उगी हुई हैं, पता है? जड़ उगी है ना? हाँ। कुछ बताना चाहेंगे आप इनके बारे में, आपने इसको खोजा है, कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं। तो यार ऐसी जगहों में ना ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें दिख जाती हैं। सो गाइज अगर आपको मेरे पुराने वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज जाके जरूर देखना, लाइक कर देना। हाँ तारीफ करो भाई, तारीफ करनी है, ब्लॉग की तारीफ करो। नहीं इसकी तारीफ नहीं करनी, ब्लॉग की तारीफ नहीं, ब्लॉग की तारीफ करनी है। तो भाई एक्चुअली ब्लॉग बहुत अच्छे बने हैं, बट तू नहीं रहता तो शायद ज्यादा। भाई हमारा बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, सुबह से उठ के दिन भर यही सोचता है कि आज करना क्या है भाई, फोन तो भाई कर करके। हाँ वो तो हम लोग बता देते हैं क्या है, इसको मंडला के बारे में कुछ पता नहीं है, हम लोग को पूरा पता है। न छेड़ो हमें हम सताए हुए। गाइस अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे को बोलने तो दे। तो गाइस अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं।
और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग पे।